बहुत अच्छी खबर है इंडियन मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम के लिए। काफी एक्साइटिंग सीरीज टूर्नामेंट होने वाले हैं जिसमें आपको इंडियन मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम एक्शन में देखने को मिल जाएगी। फाइनली इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन यानी कि IKF ने साल 2024 और साल 2025 का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। आप इसे IKF कैलेंडर फॉर 2024-25 भी कह सकते हो। तो आइए फटाफट नजर डालते हैं कौन कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं इस साल और अगले साल। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी पॉइंट्स जो आप सभी को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कि इट इज प्रपोज शेड्यूल बाय IKF, कुछ इवेंट्स है जो यहाँ पे कंफर्म है, कुछ इवेंट्स यहाँ पे कंफर्म नहीं है, 50-50 चांसेस है कि वो इवेंट्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी डेट्स और मंथ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो चेंज हो सकते हैं। रीजन क्या है, प्रो कबड्डी सीजन 11 का डेट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो जब प्रो कबड्डी सीजन 11 का डेट्स अनाउंस हो जाएगा उसके हिसाब से कैलेंडर फिर से रिवाइज होगा एंड फाइनल कैलेंडर हमें देखने को मिलेगा जिसे आप शेड्यूल भी कह सकते हो। तो 7 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होने की उम्मीद है इस साल यानी कि साल 2024 में। एक एक करके जानते हैं साल 2024 का पूरा शेड्यूल। सबसे पहला यहाँ पे बंगा बंधु कबड्डी कप हमें देखने को मिलेगा, मेंस यानी कि मेंस की टीम खेलने वाली है, सीनियर मेंस खेलेगी एंड ये चौथा एडिशन होगा बंगा बंधु कबड्डी कप का। पहला एडिशन 2021 में, फिर 2022, 2023 एंड 2024 का हमें बंगा बंधु कबड्डी कप देखने को मिल जाएगा। पहला एडिशन जब हुआ था तो 5 टीम्स खेली थी, फिर यहाँ पे 8 टीम्स, फिर यहाँ पे 12 टीम्स एंड अब देखते हैं कि 12 टीम्स तक ही सीमित रहती है या फिर और भी ज़्यादा टीम्स यहाँ पे ऐड होगा एंड बांग्लादेश की टीम ही जो तीनों ही बंगा बंधु कबड्डी एडिशन है वो यहाँ पे चैंपियन रही है। लास्ट टाइम एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट की थी जो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे कबड्डी की ग्रोथ के लिए एंड देखते हैं कि इस बार कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है बिकॉज कबड्डी वर्ल्ड कप आने वाला है। तो बंगा बंधु कबड्डी कप 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बाकी इमर्जिंग कंट्रीज है जिनमें कबड्डी स्टार्टिंग से खेला जा रहा है एंड अभी यंग कंट्रीज है यहाँ पे कबड्डी के मामले में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड इस बार का बंगा बंधु कबड्डी कप 2024 उम्मीद है कि अप्रैल या फिर मई के महीने में हमें देखने को मिलेगा। अप्रैल का महीना तो खत्म हो चुका है तो मई में हमें बंगा बंधु कबड्डी कप देखने को मिल सकता है एंड ढाका बांग्लादेशी होस्ट करने वाली है 4th बंगा बंधु कबड्डी कप एंड जो डेट्स है वो अभी तक ऑफिशियल आए नहीं है, जैसे आएंगे वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। दूसरा इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है जिसे आप मिलिट्री कबड्डी चैंपियनशिप कह सकते हो, CISM एंड ये मई और जून में हो सकता है, ईरान होस्ट करने वाले जिसमें सीनियर मेंस प्लेयर्स खेलते हुए दिख जाएंगे। ये प्रपोज है, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है एंड इस पर हमें और भी ज़्यादा डिटेल्स या फिर आप कह सकते हो कि अपडेट्स नहीं मिला है तो इसे अभी फिलहाल यहीं पे स्किप करते हैं। तीसरा यहाँ पे अफ्रीका कप है जो कि जून में होने वाला है, होस्टिंग नेशन केनिया होगी जिसमें सीनियर की मेंस टीम्स देखने को मिल जाएगी। अब नाम से आप पहचान गए होगे केनिया की टीम खेलने वाली है एंड फ्यू मोर कंट्रीज हमें देखने को मिल जाएगी, इस पर भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं पता है। चौथा और पांचवा यहाँ पे बीच यूरो कप है जिसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी कहा जा रहा है, ये मेन कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए नहीं है एंड फिफ्थ यहाँ पे बीच कबड्डी वर्ल्ड कप है। ये दोनों ही अभी फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे इसे हम स्किप करते हैं एंड अगर आपको दोनों के ही डेट्स जानने हैं, होस्टिंग नेशन जानना है तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बहुत पहले ही बता दिया। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स कबड्डी के सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे एंड कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स आते हैं वो भी हम शेयर कर रहे हैं। तो टेलीग्राम पे जाके आपको @sportsnip7 सर्च करके ज्वाइन कर लेना या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाला हूँ, क्लिक कीजिए एंड फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ चुके हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। 6वां इंटरनेशनल इवेंट जो कि यहाँ पे पहला वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है एंड ये जूनियर गर्ल्स के लिए है यानी कि अंडर 20 वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप होगा एंड ये होने वाला है इंडिया में। इंडिया होस्ट करेगी फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप या फिर आप जूनियर वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप भी कह सकते हो एंड कब होगा, अराउंड सेप्टेम्बर के महीने में होने के चांसेस ज़्यादा है एंड इंडिया ही होस्ट करने वाले तो काफ़ी अच्छी बात है एंड जूनियर गर्ल्स जो कबड्डी प्लेयर्स है वो हमें एक्शन में देखने को मिल जाएगी।
आखिरी इवेंट जो कि इंटरनेशनल इवेंट है, जो कि आईकेएफ ऑर्गेनाइज नहीं कराने वाली, जो कि एशियन इंडोर गेम्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एशियन इंडोर गेम्स आईकेएफ नहीं ऑर्गेनाइज करती है, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है ओसीए के द्वारा, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एंड ये 6th एडिशन होने वाला है एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स का, जो ऑफिशियल शेड्यूल किया गया था साल 2021 के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोस्टपोन भी हुआ है। 4 बार लगभग पोस्टपोन हो चुका है। 2021 में ऑफिशियल यहाँ पे शेड्यूल किया गया था, पोस्टपोन करके 2022, फिर 2023, फिर 2024 जो कि फेब मार्च में होने वाला था, लेकिन समर ओलंपिक्स के कारण यहाँ पे इस साल के एंड में हमें देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? नवंबर के मंथ में होने वाला है 6th एडिशन एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम, जिसमें कबड्डी स्पोर्ट्स भी होने वाला है, जिसमें मेंस की टीम्स एंड वुमेन्स की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी एंड काफ़ी एशियन कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। जैसे कि मैं एशियन गेम्स जो हुआ था पिछले साल, उस टाइप के जो कंट्रीज है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। वेन्यू अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी होल्ड पे है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड में हमें देखने को मिलेगा इस बार का एशियन इंडोर गेम्स। अब आप पूछोगे कि आपने अभी तक कबड्डी वर्ल्ड कप के बारे में बताया नहीं, तो नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करने वाले। इससे पहले आपको एक बढ़िया से टेलीग्राम पेज के बारे में बताना चाहता हूँ। राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको आईपीएल के मैचेस के प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएंगे, प्रो कबड्डी के भी देखने को मिले, अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होगा तो उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा। आधा आईपीएल खत्म हो चुका है एंड अब तक जितने भी प्रेडिक्शन किए गए हैं काफी अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन हुआ है एंड आपको उसमें टॉस प्रेडिक्शन एंड मैचेस के प्रेडिक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप इस टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिल जाएगा एंड क्लिक कीजिए एंड बिल्कुल फ्री में राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड फ्री के प्रेडिक्शन का फायदा उठाइए। 2 बड़े इवेंट्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले यहाँ पे मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है एंड दूसरा यहाँ पे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप भी होगा। आईकेएफ 2024-2025 कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें अल्टरनेटिव ईयर्स में ये 2 बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो यहाँ पे एक साल हमें मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप और उसके अगले साल वुमेन्स का कबड्डी वर्ल्ड कप सेम इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। इट मीन्स हर 2 साल में हमें एक बार कबड्डी वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। ये इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का प्रॉमिस है। सो कब होगा कबड्डी वर्ल्ड कप? ईयर 2024 यानी कि साल 2025 में हमें मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप देखने को मिल जाएगा फाइनली। एंड बताया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में हमें या फिर जनवरी लेट में हमें देखने को मिल जाएगा मेंस का कबड्डी वर्ल्ड कप। एंड कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करने वाली है इस बार का कबड्डी वर्ल्ड कप, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। एंड वहीं पे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो साल 2026 में हमें वुमेन्स का कबड्डी वर्ल्ड कप भी देखने को मिल जाएगा। होस्टिंग नेशन भी यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये 2 बड़े मेगा इवेंट्स यहाँ पे साल 2025 से स्टार्ट होगा एंड होपफुली इसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। जिस हिसाब से शेड्यूल किया हो उसी तरीके से हमें देखने को मिले। एंड 2024 का शेड्यूल जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें आपको जूनियर गर्ल्स का कबड्डी वर्ल्ड कप के बारे में बताया, तो बॉयज का क्या क्या? जूनियर बॉयज का वर्ल्ड कप नहीं होगा। यस होगा, मार्च 2025 में हमें 3rd एडिशन का जूनियर वर्ल्ड कप देखने को मिल जाएगा एंड फिर से ईरान होस्ट करने वाली है। स्टार्टिंग के जो जूनियर वर्ल्ड कप हुए थे वो भी ईरान होस्ट की थी एंड पहला जूनियर वर्ल्ड कप ईरान जीती थी एंड 2nd जूनियर वर्ल्ड कप यहां पे इंडिया जीती थी एंड 3rd जूनियर वर्ल्ड कप साल 2025 मार्च में होगा, ईरान होस्ट करेगी फिर से एंड देखते हैं कि इस बार कौन सी टीम चैंपियन बनती है। तो यही थे सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया जो अभी निकल के आया एंड ऐसा कोई भी ऐसा अपडेट नहीं बचा है शेड्यूल के रिगार्डिंग जो यहाँ पे मैंने मिस किया है। एंड आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि कबड्डी वर्ल्ड कप एंड अपकमिंग इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारी टीम इंडिया ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 36 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है फॉर इंडियन टीम कोचिंग कैंप। कुछ नए नाम एंड कुछ बड़े नाम भी हमें इस कैंप की लिस्ट में देखने को मिला है। डिटेल में मैंने बात किया इस वीडियो में, आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्लिक कीजिए एंड उसी वीडियो में आप सभी से मिलता हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।